चलिए स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। लखीमपुर खीरी कांड में आज फिर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड में आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में ये सुनवाई होनी है। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सोमवार को वादी पक्ष की ओर से बहस पूरी हो गई थी और आज राज्य सरकार की ओर से की जाएगी बहस। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई होनी है और वादी पक्ष की तरफ से पूरी बहस पूरी हो चुकी थी और आज सरकार की तरफ से बकायदा पक्ष रखा जाएगा। तो इस पूरे मामले में आज आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर भी बहस होनी है। तो लखीमपुर खीरी कांड में आज फिर से सुनवाई होगी। सोमवार को वादी पक्ष की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी, आज राज्य सरकार की ओर से की जाएगी इस पूरे मामले में बहस। और ये पूरी बहस पूरी सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होनी है। मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा और इनकी जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। तो लखीमपुर खीरी कांड में जिस तरह से आरोपी बनाया गया है आशीष मिश्रा को, दरअसल तहकीकात और तमाम सबूतों के आधार पर उन्हें मुख्य आरोपी माना गया और इस पूरे मामले को लेकर एक बार उन्हें जमानत मिली भी थी लेकिन काफ़ी विरोध के बाद फिर से उन्हें जेल भेजा गया। इसके बाद फिर से उन्हें उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है और वादी पक्ष की तरफ से बहस पूरी हो गई है और अब सरकार की तरफ से बाकायदा इस पूरे मामले में आज बहस होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पूरी सुनवाई होगी। चलिए बढ़ते आगे। बुलंदशहर की खबर है जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। 11 जोन और 48 सेक्टर में बांटा गया है जनपद को। कांवड़ मार्ग शिवालय पर तैनात रहेगी पुलिस, घाटों पर तैनात रहेंगे गोताखोर, अराजक तत्वों पर भी पूरी तरह से नजर होगी। बुलंदशहर पुलिस की पैनी नजर होगी। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और CCTV कैमरे से दरअसल निगरानी की जानी है। तो जनपद में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी रहेगी तैनाती। बुलंदशहर SSP श्लोक कुमार थाना प्रभारी को पूरा निर्देश दिया गया है और पूरी तरह से पुलिस की तरफ से मुस्तैद व्यवस्था यहां पर की गई है। अराजक तत्वों पर पैनी नजर होगी और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और CCTV से भी की जाएगी निगरानी। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पुलिस की तरफ से पूरी तरह से मुस्तैदी यहां पर बरते जाने के निर्देश दिए गए। वरुण शर्मा हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। वरुण, क्या व्यवस्था दिख रही है, किस तरह की तैयारियां दिख रही है कांवड़ यात्रा को लेकर बुलंदशहर में, बताइए सर। बता दूं कि बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो हाई अलर्ट है और यहाँ पर 11 सेक्टरों में बुलंदशहर को कांवड़ यात्रा को लेकर बांटा गया है और 40 लोग बनाए गए हैं, जिसको लेकर लगातार जो प्रशासन है उनका कहना है कि यहाँ पर जो CCTV कैमरे से कांवड़ यात्रा पर निगाह रखी जाएगी और जो कांवड़ यात्रा में मीट मछली की दुकान है उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनसे अपील की गई है कांवड़ यात्रा के दौरान वो बंद रहेंगी। वहीं जो बुलंदशहर के जो जहाँ कांवड़ यात्रा चलती है जो मंदिर है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आला अधिकारी यहां पर पहले ही कांवड़ यात्रा को लेकर DIG निरीक्षण कर चुके हैं। वरुण, क्या क्या पिछली बार वैसे कांवड़ यात्रा को, चूंकि कांवड़ यात्रा पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा था कोरोना को लेकर, क्या उससे पहले की जो व्यवस्था थी और इस बार की जो व्यवस्था हो रही है, कितना अंतर आप देख पा रहे हैं वरुण? जी बिल्कुल, शासन के आदेश के बाद जो प्रशासन है वो हाई अलर्ट है। कांवड़ यात्रा पिछले 2 बार से सावन की जो कांवड़ यात्रा थी कोरोना को लेकर वो नहीं हुई थी और अब की बार क्योंकि शिव भक्त जो है शिव गंगा जल लेने जो हरिद्वार जाते हैं वो भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी मात्रा में यहाँ से शिव भक्त हरिद्वार पहुंचेंगे, गंगा जल लाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन खुद हाई अलर्ट है। जो हाईवे है यहाँ पर जहाँ से कांवड़ यात्री निकलते हैं वहाँ CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, बाकायदा सेक्टरों में जोनों में बांटा गया है जहाँ पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बाकायदा लगाई जाएगी। चलिए वरुण, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी वरुण शर्मा बता रहे थे कि बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की जा रही है, बाकायदा पुलिस की तरफ से कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पैनी नजर रखी जा रही है।
संवेदनशील इलाके जो हैं वहां पर सीसीटीवी और ड्रोन से पैनी नज़र रखने की पूरी तरह से पुलिस की तैयारियां हैं और बेहतरीन सुरक्षा प्रणाली को विकसित करने की पुलिस की तरफ से एक बड़ी कोशिश की गई है। चले बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश की 20 नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त है, उत्तर प्रदेश की 20 नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। शिक्षा की कमी और अधूरे मानक के चलते ये रोक लगी है। इस रोक से यूपी में 1500 सीटें कम हो जाएंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त वैसे लोगों के लिए जो नर्सिंग कॉलेज में नामांकन के लिए बाकायदा तैयारी कर रहे थे, वैसे लोगों के लिए निराश करने वाली ये खबर है, क्योंकि इस रोक से लगभग 1500 सीटें कम हो जाएंगी। आगरा, अयोध्या, लखनऊ समेत कई जिलों के कॉलेज में ये रोक लगाई गई है। और रोक लगाने के पीछे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि टीचिंग स्टाफ्स और साथ ही साथ जो मानक होनी चाहिए नर्सिंग कॉलेज के लिए, उस मानक में कई कॉलेज अधूरे साबित हो रहे हैं। और इस आधार पर इन तमाम लगभग 1500 सीटों की कमी आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। आगरा, अयोध्या, लखनऊ समेत कई जिलों के कॉलेज में ये रोक लगाई गई है। तो यूपी की 20 नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगाई गई है और इस रोक की वजह से 1500 सीटें कम से कम कम हो जाएंगी। शिक्षक की कमी और अधूरे मानक के चलते बाकायदा जो वजह बताई जा रही है कि क्यों 20 कॉलेजों में रोक लगाने का फैसला लिया गया, उसके पीछे की बड़ी वजह है कि शिक्षक की कमी है। साथ ही साथ जो मानक होने चाहिए नर्सिंग कॉलेजों के, उन मानकों में भारी कमी, यहाँ पर अधूरे मानक दिख रहे हैं और इस वजह से सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त, उत्तर प्रदेश के 20 नर्सिंग कॉलेजों में नामांकन पर रोक लगा दी गई है। इस रोक से उत्तर प्रदेश में 1500 सीटें कम हो जाएंगी। तो ऐसे छात्रों के लिए जो नर्सिंग कॉलेज में नामांकन के लिए तैयारियां उनकी चल रही थी और 1500 सीटों का बाकायदा 1500 सीटें उनके लिए ओपन थी, उसमें भी वो पूरी तरह से फाइट कर सकते थे, लेकिन उनके लिए निराश करने वाली एक खबर है कि अधूरे मानक और साथ ही साथ टीचिंग स्टाफ्स की कमी की वजह से तकरीबन 20 कॉलेजों में नामांकन पर रोक लगा दी गई है और 1500 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 1500 सीटें उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में कम पड़ जाएंगी। आगरा, अयोध्या, लखनऊ समेत कई जिलों के कॉलेज में ये रोक बाकायदा लगाई गई है। तो 20 नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश पर रोक लगाई गई, वजह बताई जा रही है कि टीचिंग स्टाफ भी बहुत कम हैं, भारी कमी उसकी देखी जा रही है। साथ ही साथ जो अधूरे मानक हैं, उस अधूरे मानक के आधार पर कम से कम नर्सिंग कॉलेज चलाना तो बहुत ही मुश्किल भरा काम है, लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि 1500 सीटों की कमी हो जाएगी। मतलब साफ है कि नर्सिंग कॉलेज को खोल दिया गया लेकिन टीचिंग स्टाफ्स की व्यवस्था नहीं की गई। जो मानक हैं उस मानक को पूरा करने की जो कोशिश होनी चाहिए थी, जो बाकायदा ये बड़ा स्टेप्स लिया जाना चाहिए था, उसमें भी बहुत भारी कमी देखी जा रही है, तभी इस तरह के फैसले बाद में लेने पड़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, 82 लखनऊ की खबर है। 82 साल की महिला को पालतू कुत्ते ने मार डाला, पिटबुल कुत्ते ने बाकायदा, देखिए बड़ी खबर यहाँ पर लखनऊ से आ रही है, जहाँ 82 साल की महिला को पालतू कुत्ते ने मार डाला और बताया जा रहा है कि पिटबुल नस्ल के इस कुत्ते ने सेवानिवृत्त महिला शिक्षिका को नोच नोच कर मार डाला। घटना के वक्त घर में अकेली थी महिला, जिम में काम करता है मृतक का बेटा और घटना की जानकारी होने पर मां को अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टरों ने लेकिन महिला को मृत घोषित कर दिया। कैसरबाग इलाके की घटना है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। पिटबुल कुत्ते ने इस घटना को अंजाम दिया है। अकेली वृद्ध महिला घर में रह रही थी और अचानक बाद में पता चला कि इस पिटबुल कुत्ते ने ही इस महिला को नोच नोच कर मार डाला। तो 82 साल की महिला को पालतू कुत्ते ने ही मारा। डॉक्टरों ने जब तक अस्पताल में लेकर जाया गया उन्हें, तो उससे पहले ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कैसरबाग इलाके की घटना है। सिद्धार्थ हमारे सहयोगी और अपडेट करें। सिद्धार्थ,
क्या क्या खबर है सिद्धार्थ, क्या इस पूरे मामले में चीजें निकल कर आ रही है सामने? देखिए आपको बताएं, कैसरबाग इलाके में आज सुबह जो है 82 वर्षीय एक सेवानिवृत्त महिला शिक्षिका थी, उनको पिटबुल कुत्ते ने काट कर मार डाला और घर में कोई उस समय नहीं था। घटना के समय महिला अकेली थी और इनका जो बेटा है वो कपूरथला में जिम में काम करता है, तो कहीं ना कहीं बड़ी दर्दनाक घटना थी। और इस तरीके से इस तरीके की घटना को लेकर जब पड़ोसियों ने इसको जाना तो कहीं ना कहीं फिर जाकर पड़ोसियों ने जो उसके बेटे थे उनको सूचना दी और वो मौके पर पहुंचे, लेकिन इतना खून बह चुका था उसके कारण उनकी मौत की वजह भाई जहां तक डॉक्टरों को उसका इनको डॉक्टर पास ले जाएगा, लेकिन मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस जो पिटबुल प्रजात के कुत्ते हैं, लगभग जो कुत्ता जो लोग कुत्ता पालते हैं, जो डॉक्टर्स हैं इसके पास चिकित्सक, वो कहते हैं इनको ना पाला जाए घर में, अगर कोई घर में अकेले रहता हो। लगातार इस तरीके के ऐड आते हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। और वो 82 वर्ष की थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब उसने हमला किया तो प्रतिरोध नहीं कर पाई उसका और कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई। कहीं ना कहीं इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए ऐसी घटनाओं से। ऐसे जानवर जो ऐसे प्रजात की जो भीड़ है ये काफी खतरनाक होते हैं, लगातार इसको लेकर भी सब जगह बताया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस मौत ये दर्दनाक मौत थी और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो उनके बेटे थे वो भी खुद को माफ नहीं कर पा। सिद्धार्थ, जानकारी निकल कर आ रही है कि जिस पिटबुल नस्ल के डॉग को पाला जा रहा था, कितने साल से घर में रह रहा था, क्या घुला मिला हुआ नहीं था इस महिला के साथ, क्या था इस कुत्ते की सेवा कौन करता था, ये सब जानकारी है जो कि बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ, इसके बारे में कुछ पता चला? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरी जानकारी है। जो ये महिला है ये रिटायर्ड शिक्षिका थी, तो कहीं ना कहीं सब लोग बाहर चले जाते थे तो ज्यादातर ये इसी के साथ रहती थी, पूरा रूटीन इन्हीं के साथ था। ये इसको देखभाल करते थे, इसको पालन पोषण इसी ने किया था और कहीं ना कहीं, लेकिन एक इस कुत्ते की सबसे बड़ी इस बीट की जो सबसे खासियत ये है कि जब ये किसी चीज को लेकर नाराज हो जाते हैं तो फिर ये अपना आपा खो देते हैं, लगातार ये बीट के बारे में बताया जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये घटना घटी है और लोगों को इस घटना से कि अब लोगों में दहशत का माहौल है वहां पर और लोग अब कहीं ना कहीं ये एक चीज सीखनी चाहिए लोगों को कि जो इस प्रजाति के कुत्ते हैं इनको अगर पाला जाए तो इनको बांध दिया जाए या फिर जब कोई बुजुर्ग हो तो उनको इनसे दूर रखा जाए। और इसकी खासियत ये बताते थे कि जब इसको दूर, खाना दूर रखा जाए या ना रखा जाए, पाला जाए या ना पाला जाए, लेकिन अगर आपने पाला है तो हमें लगता है कि किसी वृद्ध महिला को अकेले ना छोड़ा जाए, क्योंकि जिस तरह की ये घटना घटी है उससे तो साफ जाहिर होता है कि बहुत मुश्किल है ऐसे नस्ल के कुत्तों पर बिलीव करना। शुक्रिया आपका सिद्धार्थ इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिजनौर के सिहारा थाना क्षेत्र में मेले में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और कुर्सियां चली। मारपीट में युवकों ने पुलिसकर्मी और होम गार्ड के साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मेले में हुई मारपीट, दो गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, युवकों ने पुलिस कर्मी और होम गार्ड को भी पीटा। ये खबर है बिजनौर की, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। और इस मेले में दरअसल दो पक्षों में छोटी सी बात पर विवाद हुआ, इसके बाद लाठी डंडे चले। वैसे बीच बचाव करने के लिए जो लोग भी आ रहे थे वो काफी मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन फिर बाद में पुलिस आई, इसके बाद दोनों पक्षों को वहां से हटाया गया। फिलहाल पुलिस की हिरासत में दोनों पक्षों के कई लोग हैं। पूछताछ चल रही है कि किस बात पर इतनी बड़ी बात बनी, वजह क्या थी इस लड़ाई झगड़े की। तो बिजनौर की खबर आप देख रहे हैं और जो तस्वीरें इस वक्त जो वायरल वीडियो जो हो रहा है उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई मेले में। जहीर अहमद हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। जहीर, कुछ पता चला कि क्यों लड़ रहे हैं मेले में? मेले में हर लोग एंजॉय करने आते हैं, मेले का लुत्फ उठाना चाहते हैं, ये लोग लड़ने के लिए आए थे क्या यहाँ पर, या कुछ बात पहले से थी, पुरानी रंजिश का मामला था, या फिर अचानक से कुछ बात बनी यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर के सिहारा थाना क्षेत्र का है, वहां पर एक मेला चल रहा था। मेले के अंदर कुछ युवकों में टिकट लेने को लेकर के विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें मारपीट हो गई। उसके बाद वहां लाठी डंडे और कुर्सी चलने लगी। एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड वहां बीच बचाव कराने के लिए पहुंचता है तो जो युवक लड़ रहे थे उन्होंने उनके साथ ही बदसलूकी की। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को रात ही हिरासत में ले लिया था और 2 लोगों को और आज हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले में पुलिस संगीन धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की बात कर रही है। जी
तो क्या मतलब पता नहीं चल पाया किस बात पर दोनों झगड़ा कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, पता चल पाया है। ये बताया जा रहा है कि मेले के अंदर जो एक वहाँ पर मेला लगा हुआ था, उसके अंदर खेल तमाशे के जो है कुछ लगे हुए थे, उसको देखने के लिए वहाँ टिकट लाइन में लगने को लेकर के आपस में इनका छोटा सा मामूली कहासुनी हुई कि पहले मिलूं पहले मिलूं। इसी बात पे विवाद बढ़ता चलेगा, विवाद इतना बड़ा कि ये मारपीट तक पहुंच गया जी। मतलब पहले से कोई रंजिश का मामला नहीं था, दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन बस इसी बात पर बात बिगड़ गई। हाँ बिल्कुल, अभी तक जो पुलिस की जांच आई है उसमें ये तो बात सामने निकल कर आई कि कुछ अभी तक कोई पुराने रंजिश का मामला निकल कर नहीं है, अटेंडम ही विवाद बढ़ा और बढ़ते बढ़ते ये मारपीट तक जा पहुंचा जी। चलिए जहीर अहमद, आप बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर के बाद मैं फिर आपसे बात करूंगा। दूसरी खबर पर अपडेट लेना है जो कि बिजनौर की ही खबर है, जहां घर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई, हजारों रुपये का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया, महिला किसी तरह से भागकर जान बचाई। बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र के फतेहपुर की ये पूरी घटना है, जहां पर देखिए किस तरह से घर में ही आग लग गई और सिलेंडर के फटने से दरअसल ये घटना घटी है। इस घर में महिला खाना बना रही थी, लेकिन जिस समय आग लगी उस वक्त महिला को बचने का मौका मिल गया और किसी तरह से वो भाग करके अपनी जान बचाई, लेकिन आग की लपटों को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूरे पूरे घर में किस तरह से आग फैलती गई और देखते ही देखते यहाँ पर पूरा सामान जलकर राख हो गया। उसकी तस्वीरें हम इस वक्त आपको बता रहे हैं और कितनी भयावह तस्वीर है। इस आग की लपट में एक महिला फंस सकती थी, लेकिन समय रहते वक्त रहते वहाँ से वो किसी तरह से बाहर निकल गई और उसकी जान बच गई। फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है, लेकिन कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर आप देख सकते हैं हुआ है, लेकिन बड़ा हादसा भी हो सकता था, एक बड़ा हादसा कह सकते हैं कि टल गया है, लेकिन आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। जहीर अहमद सहयोगी हमारे और अपडेट करेंगे। जहीर, ये जो खबर हम लोग दिखा रहे हैं किसी तरह से महिला भाग कर यहाँ जान बचाई, आप कैसे बचा पाई यहाँ? बड़ा मुश्किल लग रहा है, आग लगने के बाद पूरे घर में आग लग गई, महिला भी किस तरह से बच गई, आसान नहीं था उनके लिए। बिल्कुल, देखिए ये रेहड़ थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पर घर के अंदर महिला खाना बना रही थी किचन में, अचानक से बताया जा रहा है कि सिलेंडर खाली हो गया था, उसको चेंज करके महिला खाना बना रही थी, जैसे ही उन्हें चूल्हा जलाया तो सिलेंडर ने आग पकड़ ली और आग इतनी विकराल रूप धारण किया कि देखते ही देखते पूरा वहाँ किचन को अपनी चपेट में ले लिया। महिला ने कूद करके भाग करके अपने वहां से जान तो जरूर बचा ली, लेकिन पूरी किचन जो है जल करके राख हो गई। स्थानीय लोग और जो परिजन घर पर कोई ज्यादा मौजूद नहीं थे, जो मोहल्ले के आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने काफी मशक्कत के बाद पानी डाल डाल करके आग पर काबू पाया। तो क्या लीक कर रहा था सिलेंडर, क्या था, क्यों, कैसे आग लग गई? बिल्कुल, जो घर का मालिक है धर्मेंद्र, उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना यह है कि जो सिलेंडर नया लगाया था, हो सकता है रेगुलेटर लगाने में कुछ समस्या आ गई हो, सिलेंडर पहले से लीक हो, उसी वजह से ये आग लगी है। और फिलहाल क्योंकि आग लग के मामला निपट चुका है, अब ये जांच का विषय है किस तरीके से आग लगी। परिवार वालों का तो यही कहना है कि सिलेंडर लीक होना था जिससे आग लगी है जी। चलिए ठीक है जहीर, इस पूरी खबर के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो ऐसा लग रहा है कि सिलेंडर लीक होने की वजह से, ऐसा अक्सर होता है कि जब नया सिलेंडर होता है तो उसमें लीकेज की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पहले लीकेज को चेक करना चाहिए, खुली जगह पर चेक करके ही सिलेंडर को अपने घर के अंदर लाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है। और सिलेंडर जब पूरी तरह से लग जाए कि कहीं से कोई लीकेज नहीं है, तभी उस सिलेंडर का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए इस तरह की लापरवाही होने के बाद क्या होता है, जो कि बिजनौर के इस घर में हो रहा है। पूरी तरह से घर में रखे सामान जलकर राख हो गया, बड़ा नुकसान हुआ है, महिला किस तरह से अपनी जान बचाई। चलिए ललितपुर नाराहट थाना क्षेत्र की बात करें तो वहां कुछ दबंगों ने पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ की और कर्मचारियों से मारपीट की है। वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने 3 ज्ञात और 1 अज्ञात युवक पर मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। तो दबंगों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की, वैसे इसमें एक की पहचान हो गई है, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बाकी इसमें कई लोग हैं जो कि अज्ञात हैं, जिनके बारे में भी जानकारी पुलिस को नहीं मिली है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, फिलहाल उसकी तलाश हो रही है। कर्मचारियों के साथ इन लोगों ने मारपीट की है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ललितपुर की यह घटना है। वहीं कासगंज जनपद में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां आरोपी बच्ची को लेकर खेत गया और रेप की घटना को अंजाम दिया।
बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद एसपी कासगंज ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय पुलिस को आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम पिंटू है, जो शामली जनपद का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और क्या इससे पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है, क्योंकि ऐसे लोग मानसिक तौर पर विकृत होते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत ही जल्दी से कई चीज़ें पता नहीं चल पाती है। लेकिन हो सकता है कि अगर तहकीकात हो तो इसके बारे में और भी कई जानकारियां निकल कर सामने आए। लेकिन बहुत ही शर्मनाक घटना, एक मासूम बच्ची के साथ बहुत ही शर्मनाक करतूत इस आरोपी ने किया है। आज थाना गंजुंडवारा में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की एक सूचना मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया है और मेरे द्वारा भी घटनास्थल पर पहुँच कर मौके मुआयना किया गया है। आरोपी का नाम पिंटू बताया जा रहा है और आरोपी से पूछताछ चल रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।